अगर आप आज के टाइम पे 2023 में एक स्कूटर खरीदने का प्लान कर रहे हो और एक पेट्रोल स्कूटर खरीदने जा रहे हो तो आप एक गधे हो। वो कैसे मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वीडियो पूरी एंड तक देखना। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हो और एक्टिवा जुपिटर जैसी पेट्रोल स्कूटर खरीदने जाते हो तो आपको मोटा मोटा 85,000 से 90,000 रुपीज़ का प्राइस उसके लिए पे करना पड़ता है। उसके बाद फिर हर महीने उसके मेंटेनेंस का खर्चा और पेट्रोल का खर्चा अलग, यानी कि 90,000 की स्कूटर लेने के बावजूद आपका कम से कम 3,000 से 4,000 रुपया उसके मेंटेनेंस पे और पेट्रोल पे खर्च होगा। वहीं दूसरी तरफ आप कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लो, हम यहाँ पर बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर को कंसिडर करते हैं, ओला S1। इसका 3 kWh लिथियम आयन बैटरी वाला वेरियंट आता है 1,14,000 रुपये का। चलो ये भी आपका बजट नहीं है तो इसका एक लाइटर वेरियंट भी आता है 1,00,000 रुपए का। अब हाँ, यहाँ पर आपको RTO और इंश्योरेंस के लिए थोड़े ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। मोटा मोटा मान के चलो आपको यहाँ पर 1,15,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। 1,15,000 पे करने के बाद आपको एक भी रुपये एक्स्ट्रा नहीं देना, पेट्रोल पर और मेंटेनेंस पर लगने वाले पूरे पैसे आपके बचेंगे। अगर आप इसे EMI में भी लेते हो तो प्रोसेसिंग फीस 0 है और इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी कम है, 8.99%। तो इनकी S1 एयर स्कूटर भी आ रही है जहाँ पर हमें 85 किलोमीटर की रेंज मिलेगी और 85,000 रुपीस इसकी स्टार्टिंग प्राइस होने वाली है। अब चलो, अगर आपको ये भी महंगी लगती है तो मार्केट में काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक स्कूटर ऐसी हैं जो लगभग 60-70,000 की स्टार्टिंग प्राइस में अवेलेबल हो जाती हैं। और मोटा मोटा आप पेट्रोल स्कूटर के ऊपर 3,000 रुपये भी खर्च कर रहे हो तो 2 से 3 साल में आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर फ्री हो जाती है। इन सब के बावजूद अगर कोई इंसान 90,000-1,00,000 रुपये खर्च करके पेट्रोल स्कूटर लाता है तो हम सबको पता है कि वो क्या है। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि समझदारी वाला डिसीजन लो। नए स्कूटर खरीद रहे हो तो पेट्रोल स्कूटर को बायकॉट करो और इलेक्ट्रिक स्कूटर की ओर मूव करो। ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है और आपकी जेब के लिए भी काफ़ी अच्छा है। खैर, आपके बारे में इसके क्या थॉट्स हैं, आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।